हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड कॉमन गोल्स, टिपिकली विद इन ए डिफाइंड फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स होती है एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप को ऑफ इंडिविजुअल्स जो करते हैं एक साथ एक कॉमन गोल के अचीव करने के लिए विद इन ए डिफाइंड फ्रेमवर्क ऑफ रूल, रेगुलेशन और हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ को फॉलो करते हुए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑफ्टन क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन चैनल। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो है अपना एक क्लियर लाइन अथॉरिटी होती है और कम्युनिकेशन चैनल होता है, साथ ही साथ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लिसिटली आउटलाइन होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है कैन वेरी वाइडली इन साइज, पर्पस एंड स्ट्रक्चर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरी करती हैं अलग अलग साइज, पर्पस और स्ट्रक्चर को, रैगिंग फ्रॉम कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। They are characterized by their adherence to established procedure, protocol and official policy with help to facilitate coordination and decision making and goal achievement. इन सभी के बाद में हमारा नेक्स्ट है हायरार्की। की फीचर्स हैं, अब इनके बारे में हम की फीचर्स क्या क्या हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इन सभी को और समझते हैं। हायरार्की, ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली हैव ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका जो है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है विद लेवल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। विद लेवल ऑफ अथॉरिटी और साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये जो स्ट्रक्चर होता है हेल्प करता है टू क्लियरिफाई रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। डिवीजन ऑफ लेबर, वर्क विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन डिवाइडेड अमंग मेंबर्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। जो वर्क होता है हमारा विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये जो है डिवाइड करा जाता है अमंग मेंबर, किसके बेसिस पर करा जाता है, ये जो है उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर करा जाता है डिवाइड, स्किल्स और एक्सपर्टाइज के बेसिस पर। दिस डिवीजन ऑफ लेबर हेल्प टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये जो हमारा हेल्प करता है इंक्रीज करने में हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को, डिवीजन ऑफ लेबर जो है। नेक्स्ट हमारा रूल्स एंड प्रोसीजर्स। रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव एस्टेब्लिश्ड रूल, प्रोसीजर एंड पॉलिसी। जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके जो है एस्टेब्लिश रूल होते हैं, प्रोसीजर होते हैं और पॉलिसी होती हैं जो कि गवर्न करती है बिहेवियर, इंट्रैक्शन और ऑपरेशंस। दीज रूल्स हैव टू मेंटेन ऑर्डर एंड कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो रूल होते हैं हेल्प करते हैं एक मेंटेन करने में ऑर्डर और कंसिस्टेंसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जो है गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव यूजुअली हैव ए क्लियर गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट गाइड देयर एक्टिविटीज एंड एफर्ट। ये जो गोल्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं एक सेंस ऑफ डायरेक्शन, साथ ही साथ पर्पस ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही साथ पर्पस भी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। कम्युनिकेशन विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली फॉलोस एस्टेब्लिश चैनल एंड प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन करना होता है जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है टिपिकली फॉलो करता है एस्टेब्लिश चैनल और प्रोटोकॉल का। ये जो है हेल्प करता है इंश्योर करने के में कि जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो इफ़िशेंटली हो, साथ ही साथ इफेक्टिवली हो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स में ऑफिशियल रूल एंड टाइटल्स। मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑफ्टन हैव ऑफिशियल रूल्स, टाइटल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आर डिफाइंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो मेंबर होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, इनका जो है अपने ऑफिशियल रोल्स होते हैं, टाइटल होते हैं, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो कि डिफाइन होती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जो है क्लियरिटी जो है ये हेल्प करती है अवॉइड करने में किसी भी तरह के कन्फ्यूजन और प्रोमोट करती है अकाउंटेबिलिटी।
तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह समझ में आया होगा। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।